वीडियो की शुरुआत करने से पहले सभी को जय श्री राम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग द एमएम व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। और भक्ति बाहर बैठकर खाना खा रही है। आप देख सकते हो कि सोसाइटी कितनी अच्छी से सजाई है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना होने वाली है, इसलिए सब बहुत ही खुश है और बहुत ही आनंद से ये त्यौहार की तरह मना रहे हैं। तो व्लॉग शूट करते करते और आपसे बात करते करते गैस पर मैंने रख दिया है तपेला, और गर्म पानी कर देती हूँ मैं, क्योंकि ठंड है, ठंड के मौसम में तो गर्म पानी ही चाहिए। और मेरा गर्म पानी हो गया है, आप देख सकते हो। अब मैं नहा लेती हूँ। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना होने वाली है। 22 तारीख को राम मंदिर की स्थापना होने वाली है। जो राम के बहुत बड़े भक्त हैं वो तो जानते ही होंगे, मैं भी राम की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो मेरी बच्ची आस्तिक है, वो अगरबत्ती का स्टैंड लेकर आरती कर रही है। तो वो लोग कहते हैं ना कि बच्चे माँ बाप पर गए हैं, तो मैं सुबह शाम दीवा बत्ती करती हूँ, तो वो मुझे फॉलो करती है, मुझे देखती है। तो वो मुझे बता रही है कि मम्मा आवाज़ कहाँ से आ रही है। और तो भक्ति को बाद में पता चला कि ये तो प्लेन का आवाज़ है। जब मैं घर में होती हूँ तो प्लेन का आवाज़ आ रहा होता, तो वो मुझे खींच कर लाती है और दिखाती है, ऐसे ऐसे उंगली करके दिखाती है, तो मुझे पता चल जाता है कि वो क्या दिखाती है। ऐसे ही वो ऐसे ही करती है मेरे साथ, और मुझे तंग भी बहुत करती है, जो दोनों हाथों से आरती कर रही है। और भक्ति को भक्ति करनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो अभी दोपहर भक्ति सो रही है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। तो फ्लावर को अच्छे से मैंने काट लिया है। तो बूंदी का लड्डू मेरे हस्बैंड को फेवरेट है। किसको किसको बूंदी का लड्डू बहुत ही अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैंने बूंदी पहले से तैयार कर ली थी, और लड्डू, क्योंकि बूंदी तो बन जाती है, उसकी चाशनी भी बन जाती है, पर लड्डू नहीं बनते। तो लड्डू बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो पहले से थोड़ा पानी गर्म करना पड़ता है, और गर्म पानी हाथ में ऐसे घिस कर उसका लड्डू वारेंगे, क्योंकि पानी घिसेंगे नहीं तो लड्डू ऐसे मस्त बनेगा नहीं। आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था। मैं बूंदी अच्छी बना लेती हूँ मगर मेरे से लड्डू नहीं बनते। तो मुझे पता चला कि गर्म पानी को हाथ में घिसने से लड्डू ऐसे अच्छे बनेंगे और हाथ में चिपकेंगे भी नहीं। तो मैंने आपको ये ट्रिक शेयर किया, तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। आप कहो तो मैं पूरी रेसिपी लेकर आऊँगी। प्लीज़ आप कमेंट में बता देना कि बूंदी की रेसिपी हमें चाहिए, तो मैं रेसिपी लेकर आऊँगी। और लड्डू भी हमारा ऐसा मस्त गोल गोल रेडी हो गया है, ऐसे ही हम सभी लड्डू रेडी कर लेंगे। तो दूसरा लड्डू भी मैंने रेडी कर दिया है, ऐसे ही सभी लड्डू हम रेडी कर देंगे। तो लड्डू हो गए रेडी, और आपको मैं बता देती हूँ कितने अच्छे दिख रहे हैं, और अच्छे ही नहीं बहुत स्वादिष्ट भी है। तो आप घर पे ट्राई करना, और पूरी रेसिपी देखनी है तो कमेंट में बताना, तो मैं पूरी रेसिपी लेकर आऊँगी। तो बाहर कपड़े सूख गए थे और मैं घर में लेकर आ गई, तो भक्ति मेरे साथ वाह पीछे पीछे आ गई और कपड़े के साथ मस्ती कर रही है और मेरे कपड़े बिगाड़ रही है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।